Festival on November 14, 2015. And my special guest is Akku Patel. He is one of the great organizers and devotees of BAPS Swaminarayan Temple here in Houston, Texas. Let's see what Akku Patel has to say. Akku, welcome to Nick Nickam Network. Welcome to the Diwali function at the BAPS Mandir. And the program will start in just the next 5 minutes. And the grand Diwali event will start at that time. We'll go on for 2 hours and then we have our firework and laser program after that. That's fascinating. I know you have been doing this for several years. I've been here practically every year. The Diwali has been celebrated here. And how many people do you expect today? I think by the time the program gets to halfway, we'll see about 6,000 to 7,000 people. Yeah, I know your best Swaminarayan Temple here in Houston has one of the most spectacular stage shows and also beautiful fireworks and laserworks which I have seen in the last couple of years. Anything new this year for year 2015? Well, this year the program is going to be done by the kids. Oh, I see. You won't see many adult faces there. Yeah. And it's their team this time. So it should be very exciting. That's fascinating. Akku, thank you very much.
मुझे चीर डालेंगे। चिंता ना करो बस, तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे संभालो अपने आप को, अगर वो अपने भक्तों की रक्षा में है। सही बात है आपकी। अरे इच्छा बलवती है वत्स, नारायण ना। तीनों लोक के वीजा, मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, अरे लोग तो नारायण नारायण सुनते ही मुझे पहचान जाते हैं। अभी नहीं पहचाना? आप कहीं स्वयं इस पृथ्वी पर सभी जीवों का आयुष्य निश्चित ही है, बराबर? हाँ मुमुक्षु, हाँ सभी जीवों का आयुष्य सुनिश्चित ही है। अरे वत्स, तुम जिस लोक में रहते हो वो पृथ्वी लोक का दूसरा नाम ही मृत्यु लोक है। नाम है उसका नाश निश्चित ही है। अरे भाई, स्वयं भगवान के अवतारों ने भी मृत्यु लोक के इस बंधनों को स्वीकार किया है। नारायण नारायण। अगर परमात्मा तो अनंत अवतार धारण करने में समर्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब सज्जन सत्पुरुष साधुओं की रक्षा करने और दुष्ट प्रकृति के लोगों का विनाश करने और धर्म स्थापन हेतु स्वयं भगवान यानी कि मैं हरेक युग में पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। वाह मुमुक्षु वाह, तुमने तो ईश्वर सभी को कार्य करने की शक्ति देते हैं। प्रभु कितने दयालु हैं, करुणा सागर हैं, जो अपने भक्तों के कष्ट निवारण हेतु जीव मात्र के कल्याण हेतु स्वयं इस लोक में आते हैं और परंपरा द्वारा प्रकट भी रहते हैं। अरे मुमुक्षु, मानव एवं प्रभुता के बीच का सिद्धांत सेतु यानी कि अवतार वाद हिंदू धर्म की नींव समान एक सिद्धांत यानी कि अवतार वाद। आओ मुमुक्षु, हर एक युग में अवतरित प्रभु की अवतार गाथा को हम प्रत्यक्ष देखें। नारायण नारायण। हाँ हाँ चलिए नारद जी चलिए। श्री रामचंद्र जन्म भयो आनंद, श्री रामचंद्र जन्म भयो आनंद, जय रघुनंदन दशरथ नंदन, जय रघुनंदन दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जन्म भयो आनंद, श्री रामचंद्र जन्म पुरुषोत्तम गोवर्धनधारी दास बिहारी मुरली मनोहर गीता ज्ञान उपदेशक देवकी नंदन श्री कृष्ण मुरारी।
स्वयं श्री स्वामी नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। तो चले मुमुक्षु, देखते हैं इस अवतारी पुरुष के दिव्य चरित्रों की, उनके दिव्य कार्यों एवं उनके प्राकट्य हेतु की एक झलक। पसा भाई की दुनिया यानी कि उनका तंबाकू का खलियान। अरे पसा भाई, अपनी दुनिया से बाहर निकलो और आसपास देखो तो सही क्या हो रहा है। अरे अब वो शेर नहीं रहा, गाय हो गया है, गाय पूरा बदल गया है पूरा। अरे रहने दो भाई साहब, रहने दो, गलत रास्ता मत दिखाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्या बदला है? वही मरोड़दार मूछे, वही करवाहट से भरा जबड़ा और शेर से डाका डालने का इरादा है क्या? जोबन, सुना है स्वामी नारायण गधों की गाय बना देते हैं? सच है काजिया भाई, शत प्रतिशत सच। आपके संप्रदाय में वर्तमान में ऐसी गाय है कि नहीं? है ना, तो उसके दीदार तो कराओ। अरे आपके सामने ही ऐसी गाय है। सामने कहाँ? यहाँ? हाँ यहाँ ही आपके सामने। आप भी जानते हैं 2 साल पहले मैं यूं ही अगर आपके पेटलाद गांव में आता था तो भी क्या हो जाता था, पूरे गांव की हवाइयां उड़ जाती थी, सन्नाटा छा जाता था जोबन, सन्नाटा। अरे भाई शामत आई है किसी की कि वो घर से बाहर निकले? अरे Please welcome Pujya Shwetmani Swami, the head swami of the Southwest region. आज हम दीपावली का अवसर मना रहे हैं। संभवामी युगे युगे इस मध्यवर्ती विचार पर यह पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात बताई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का यह वरदान है या विरुद्ध है, जब भी मनुष्य पृथ्वी पर किसी भी त्रास से किसी भी प्रकार की मुश्किलियाँ उनके जीवन में आती है तब उन मुश्किलियों को दूर करने के लिए मेरा अवतरण इस पृथ्वी पर अवश्य होगा ही होगा। इस आधार पर हमने 10 अवतार 4 युग, उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण वे लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और भगवान स्वामीनारायण कलयुग में जो प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण, इन तीनों अवतारों की चरित्र कथाएं हमने देखी। भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर पधारे, रामायण ग्रंथ रामस्य अयनम राम का वन में जाना बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। रामचंद्र भगवान वन में गए, रामचंद्र भगवान इस पृथ्वी पर पधारे, उनके जीवन में से मुख्यतया Yeah.
The price is $5. Yes.